नमस्कार, आप देख रहे हैं द जेड प्लस। मैं हूं सिद्धार्थ। कहा जाता है धरती पर डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन तब क्या जब यही डॉक्टर शैतान बन जाए। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है पाटलिपुत्रा का सीएनएस हॉस्पिटल से, जिसमें 15 दिनों से बीमार चल रही एक महिला की गलत इलाज करने से मौत हो गई। मामला यही है, मेरी मामा जो मेरी दादी माँ थी एकदम शाम 7 बजे तक एकदम 8-9 बजे तक स्वस्थ थी। 9 बजे के बाद कोई जूनियर डॉक्टर था जो शायद लक्ष्मी नाम था उसका, शायद लक्ष्मी, मुझे पूरा कंफर्म नहीं हूँ, आया तो सुई लिखा एक हाई प्रेशर ब्लड प्रेशर का, एक लो प्रेशर। 5 मिनट के अंदर वो 2 सुई इंजेक्शन दे के मेरे मामा को मार दिया। चलिए हम आपको बताते हैं वहाँ मौजूद महिला के परिजन और विधायक ने हॉस्पिटल प्रशासन पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। माता श्री को यहाँ हम 13 तारीख को कमर में दर्द की परेशानी के लिए लेके एडमिट किए थे, तो अप्रॉक्स 17-18 तारीख तक उनका स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार हुआ और कल रात यानी 29 तारीख को वो पूर्णतः स्वास्थ्य उनका जो है सही हो चुका था। बैठ के हम उससे बातें कर रही थी, बेड पे खाना खा रही थी, उतने में एक ड्यूटी डॉक्टर आया लक्ष्मी नाम का, तो वो अपना एक प्रिस्क्रिप्शन बनाने लग गया कि ऐसा है कि इनके ना सांस में दिक्कत हो रहा है, जबकि उसका सेचुरेशन बिल्कुल सही था, सेचुरेशन देखा जा चुका था उसी टाइम 9:30 में, सेचुरेशन ब्लड प्रेशर हर चीज़ चेक हुआ था, हर चीज़ सही है, वो मेंशन है उनके फाइल में। उसके बाद वो बोल रहा है कि नहीं ऐसा करते हैं कि इनको मैं एक इंजेक्शन दे के देखता हूँ। मैं मना किया हूँ कि सर आप ऐसा करो, सीनियर डॉक्टर से बात कर लो, वो यहाँ देख के गए हैं, वही चल रहा दवा। मैं निकल गया खाना खाने, मेरा भतीजा वहाँ था, इसको प्रिस्क्राइब करके दिया, इसको पता नहीं, बेचारा जाकर दवा लाया, हाई ब्लड प्रेशर का दवा दिया, पेशेंट जो है अनसेचुरेट हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया बहुत ज़्यादा, वो डर गया, तुरंत इसको लो ब्लड प्रेशर के लिए प्रिस्क्रिप्शन दिया, ये जाके लेके आया, 5 मिनट के अंदर उसने लो ब्लड प्रेशर का भी इंजेक्शन दे दिया, जिसके कारण 3 मिनट सुई देने के बाद 3rd मिनट में जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस हो गया, बिल्कुल नॉन रिएक्टिंग कह लीजिए या फिर कह लीजिए उसी टाइम उनका जो है देहांत हो चुका था। दवा के ओवर डोज के कारण उनकी मृत्यु हो गई। मैंने लोगों को कहा कि आप शांति पूर्वक रूप से इसका विरोध कीजिए और कानून का सहायता लीजिए, तोड़ फोड़ करने से तो कोई लाभ होना नहीं है, लेकिन जनता को तो जागृत होना पड़ेगा। बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल के जिस तरह से ही लोगों ने स्वास्थ्य सुविधाओं का उद्योगीकरण कर दिए हैं और सिर्फ अस्पताल चला रहे हैं उद्योग के भावना से। डॉक्टर का काम है जनता की सेवा करना, बीमारी को ठीक करना, और आजकल पटना में ऐसे ऐसे अस्पताल हैं जो बीमारी बढ़ा रहे हैं, यहाँ तक कि अटेंडेंट को भी बीमार कर देंगे। एम्बुलेंस आ गया है, जिस तरह से हत्या किया गया है इस तरह से इस रोगी का, इसके विरोध में हम लोग आए हैं और जो भी प्रशासन है उससे आग्रह किए गया पोस्टमार्टम कराए, उसको कानूनी प्रक्रिया में दिया जाए। इस पूरे मामले पर जब हमने डॉक्टर से बात करने की कोशिश की तो डॉक्टर ने कहा परिजन है, परिजन का तो काम ही हमारे ऊपर आरोप लगाना। भतीजा जब हमारा कॉल किया कि देखिए दादी का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, तो जब हम लोग इनके हॉस्पिटल में, तो सबसे पहले इन नहीं किया गया, किया जाने दिया, सिक्योरिटी द्वारा रोका गया, यहाँ तक कि हाउसकीपिंग स्टाफ हमें घेर लिए कि आप नीचे चलिए, आप ऊपर नहीं जा सकते हैं, और हम लोग नीचे आए तो बोले कि भाई डॉक्टर बुलाओ दिखाओ, तो वो लोग तुरंत 10 मिनट के अंदर अंदर प्रशासन बुला दिया और धमकाना स्टार्ट कर दिया कि आप तुम लोग शांति से रहो, पेशेंट के पास तुम लोग नहीं जा सकते हो, इलाज हो रहा है, इलाज हो रहा है, लेकिन इलाज हो नहीं रहा था। हम उम्मीद करते हैं दोषियों के ऊपर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई हो।